कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के नाम होंगे। तो खुश की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज तो मेरे स्टाइल में कुछ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, वो है दाल। वो दाल का नाम भी हम लोग बोलते हैं केव की दाल को। वो दाल होती है काली उड़द की दाल। काली उड़द की दाल की वो दाल बनाई जाती है, उसमें तीन दाल और मिक्स करा जाता है। जब जाके वो दाल बनती है, और दाल माशाल्लाह तो इतनी यम लगती है खाने में, और उसके साथ कुछ नहीं भी लिया ना तो भी चलता है। बट मैं उसके साथ बनाने वाली हूँ ज्वार की रोटी और चने की दाल में गोभी की भाजी में चने की दाल। तो ना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलो हम बनाते हैं इस टाइम। तो यहाँ पर मैंने ली थी दाल, मैंने सब आधी आधी कटोरी ली थी। ये मैंने काली उड़द की दाल, ये दाल हमें ज़्यादा लेनी है। अगर आप एक कटोरी ये दाल ले रहे हो पाव सेव की तरह, तो आधा पाव हमें ये मसूर दाल, चने की दाल और तुअर दाल हमें इतनी लेनी है। और हमें काली उड़द की दाल थोड़ी ज़्यादा लेनी है। और इसको अच्छे से धो के 5-10 मिनट भिगो के और मैं इसमें टमाटर और तेल डाल के इसको उबाल लूँगी, 4 सीटी ले लूँगी। तो ये देखिए आप, ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है उबाल के। और इधर मैंने एक तपेली ले ली थी, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाली थी और लहसुन कट करके डाली थी। और ये मसाला, इसमें मैंने लहसुन, अदरक, जीरा और कोथमीर हमें बहुत ज़्यादा लेनी है, हरी मिर्च भी डालनी है। ये मेरे लहसुन जल गए थे क्योंकि मेरे बाजू वाली आ गई थी, वो मुझे मोदक देने आई थी। और इसमें जीरा और हींग और क्या बोलते हैं राई डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे, देखो ये मेरे मोदक बाजू वाली ने दे दी थी, उस चक्कर में मेरे वो लहसुन जल नहीं गए मतलब थोड़ा ये हो गया। और हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और इसको 5-10 मिनट अच्छे से भून लेंगे मसाले को। और नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 5-10 मिनट तक। फिर हमारी जो ये भून के रेडी हो चुका है, फिर हम इसमें जो हमारी दाल है वो डाल देंगे। और फिर हमारी दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है और हम इसको 15 मिनट तक उबालेंगे, उबाल आने तक। और अच्छी तरह से पकाएंगे इसको, कम से कम 15 मिनट तक हम इसको पकाना है। तो देखो अभी मेरी दाल ये मैंने अच्छे से मिला के रेडी हो चुका है। अब इसको उबाल आने तक अच्छी तरह से और पकाएंगे। माशाल्लाह खाने में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, यम लगती है, तो मज़े की। तो देख सकते हैं आप, मेरी दाल को उबाल आ चुका है, अभी पक के रेडी हो चुकी है। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। और पकने इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी ये टेस्टी होते जाती है। तो ये रेडी हो गई है और अब हम बनाएंगे हमारे गोभी की सब्जी। तो चलो बनाते, इसको हम बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन, इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच तेल इस तरह के। और फिर मैं डालूँगी राई, जीरा, कड़ी पत्ता और मैं डाल दूँगी इसके अंदर 2 प्याज। उसको अच्छे से भून लेंगे शैलो फ्राई होने तक। तो ये हमारे भून के ब्राउन हो चुके हैं। और ये मैंने अदरक, लहसुन और जीरे का पेस्ट बना ली थी, ये हम डालेंगे 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धास बहुत उठती है अदरक लहसुन की। फिर हम इसमें डालेंगे जिसे भून लेना है, फिर हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले जो कि हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया 1 लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर
एक चम्मच और नमक टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको चाहिए उतना। थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद मैंने ये दाल को भिगने रखी थी 1 घंटे तक। ये दाल भी हम डाल देंगे और दाल में थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि दाल अच्छे से थोड़ी गल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे जो कैबेज है वो डालेंगे अच्छे बारीक बारीक कट करके, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के पकाना, क्योंकि हमारी जो चने की दाल है ना वो गलनी चाहिए, वरना ये कच्ची ही रह जाएंगी। ऐसे तो नहीं देंगे, बस इसको स्लो पे अच्छे से पकने देना, डोंट डिस्टर्ब की तरह। अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे ना तो ये अच्छे से धीमे आंच पे अच्छे से पकती है। तो देखो ये पक के रेडी है चिक्की और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही मस्त लगती है। तो दिस इज़ माई डिश इज़ रेडी, स्टीम राइस दाल गोभी की सब्जी और रोटी जवारी की रोटी। तो ये मेरी थाली रेडी है चिक्के और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर 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 बताना। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, उड़द की दाल और गोभी की भाजी, आप लोग ज़रूर बताना। और ये तो मेरे स्टाइल में था, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप ये सब बना सकते हो। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। और दुआओं में सब कुछ शामिल करना, आप जिसे पसंद करते हो उससे भी, जिसे पसंद नहीं करते हो उसे भी, दुआओं में हमेशा सबको शामिल करना। अल्लाह हाफिज़।